दोस्तों आज मैं आपसे मिडल ईस्ट के एक बेहद ही ज़्यादा अमीर और बेहद ही ज़्यादा कमाल के देश ओमान के बारे में आपसे बात करूंगा, जिसे पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम सल्तनत ऑफ ओमान के नाम से जानती और पहचानती है। यहाँ की दोस्तों कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है मस्कट। तो वहीं पूरे देश में बोली जाने वाली ऑफिशियल दर्जे की लैंग्वेज है दोस्तों अरेबिक। इस देश में दोस्तों आज के दिन आपको टोटल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी तकरीबन 48,70,000 लोगों की, लेकिन नई रिपोर्ट का ये दावा है कि यहाँ पर ये पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते 49,74,000 को क्रॉस कर चुकी है। और पूरे देश में पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों आज के दिन 15 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन के हिसाब से ये दुनिया का आज के दिन 125वां सबसे बड़ा देश बनता है। तो वहीं दोस्तों पूरा देश आज के दिन कुल मिलाकर 3,09,500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और इस तरीके से दोस्तों ये दुनिया का 70वां सबसे बड़ा देश बनता है। तो वहीं पूरे देश के एरिया में आपको वाटर परसेंटेज दोस्तों बिल्कुल इना के बराबर देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इस देश की दोस्तों ऑफिशियल मुद्रा यानी ऑफिशियल करेंसी की बात करें तो वो है ओमानी रियाल, और आज के दिन एक ओमानी रियाल इंडिया के 192 रुपए के बराबर है। तो चलिए दोस्तों देर किस बात की, ओमान इस बेहद इंटरेस्टिंग कमाल देश को बिल्कुल अंदर से बिल्कुल गहराई से जानते हैं आज वीडियो में। हमारे साथ आखिर तक बने रहना और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। ओमान को दोस्तों अरब देशों में सबसे ज़्यादा पुराना स्वतंत्र देश माना जाता है, और यही वजह है कि आज के दिन इतना ज़्यादा पुराना देश होने के चलते ये बेहद ही ज़्यादा फेमस भी है पूरी दुनिया में, और इसकी तरक्की इसकी अमीरी भी दोस्तों बेहद ही ज़्यादा अब बढ़ चुकी है। साथ ही एक ऐसा देश है जहाँ पर दोस्तों आपको आतंकवाद का खतरा बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलने वाला। आज के दिन काफ़ी कंट्रीज दोस्तों आतंकवाद की शिकार हो रही हैं, लेकिन ओमान में आतंकवाद देखने को मिल जाए ये तो हो ही नहीं सकता। ओमान के लोगों को दोस्तों कॉफ़ी पीना ना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, यही वजह कि आज के दिन कॉफ़ी पूरे ओमान का राष्ट्रीय पीने वाली चीज़ बन चुकी है। राष्ट्रीय ड्रिंक भी यहाँ की ये मानी जाती है। कॉफ़ी पीना यहाँ के लोगों को सही में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पूरे देश में आपको अधिकतम आबादी दोस्तों मुस्लिम्स की ही देखने को मिलेगी, और इस्लाम धर्म यहाँ पर आपको सबसे बड़ा देखने को मिलने वाला है। और अगर यहाँ के दोस्तों धर्मों की परसेंटेज देखी जाए तो पूरे देश में आपको 86% इस्लाम धर्म के लोग, 6.51% क्रिश्चियन धर्म के लोग और 5.55% हिंदू धर्म के लोग देखने को मिल जाएंगे। इससे आप समझ ही सकते हैं कि इस्लाम धर्म ना यहाँ पूरे तरीके से डोमिनेट करता है देश को। पूरे देश की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोस्तों टूरिज्म इंडस्ट्री के चलते और मछली और कृषि उत्पादों के चलते ही आपको आता हुआ नजर आ जाएगा। चर्चा अगर इस देश की दोस्तों थोड़ी इकॉनमी की करें तो आज के दिन बेहद ही ज़्यादा छोटी बेहद ही कम आबादी होने के बाद भी इसकी नॉमिनल जीडीपी 79 बिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। और इस तरीके से दोस्तों ये दुनिया की सही में काफ़ी बड़ी इकॉनमी बनती है, और दुनिया में इसकी रैंकिंग है नंबर 67 की। लेकिन चर्चा अगर जीडीपी पर कैपिटा की करें तो उसमें दोस्तों इसका आंकड़ा आता है 18,970 यूएस डॉलर, और इस मामले में दोस्तों ये दुनिया की 41वीं सबसे ज़्यादा अमीर दर्जे की कंट्री बनती है। इंडियंस के मुकाबले दोस्तों यहाँ के लोग आपको 4 से 5 गुना तक अमीर नज़र आने वाले हैं। पूरे देश का अगर दोस्तों HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो स्कोर निकला है 0.813 का। इस तरीके से ये कंट्री आती है वेरी हाई HDI के लिस्ट में, और इसकी रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पर है नंबर 60 पर। पूरे देश में आपको कई खास लेवल की इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, जैसे क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की इंडस्ट्री, नेचुरल एंड लिक्विफाइड नेचुरल गैस की इंडस्ट्री, और साथ ही दोस्तों कंस्ट्रक्शन और सीमेंट इंडस्ट्री भी इस देश को काफ़ी आगे ले जा रही हैं। ये देश वैसे दोस्तों आज के दिन काफ़ी अमीर बन चुका है। अरब का ये देश काफ़ी सारे दोस्तों दूसरे देशों में सामान भी एक्सपोर्ट करता है, और ये देश हर साल 21.1 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई करता है सिर्फ एक्सपोर्ट के जरिए। एक्सपोर्ट में इसके मेन पार्टनर्स हैं चाइना, जापान, UAE, साउथ कोरिया और थाईलैंड। लेकिन इसके अलावा ये देश हर साल 20.6 बिलियन यूएस डॉलर का सामान इम्पोर्ट करता है अपने देश में, जिसमें दोस्तों इसके मेन पार्टनर्स हैं UAE, जापान, इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। ज़्यादातर दोस्तों अरब कंट्रीज़ के मुकाबले ओमान में आपको ना महिलाओं की लाइफ काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। महिलाओं को यहाँ पूरी फ्रीडम दी जाती है, जिसके चलते वो अच्छे से स्टडी कर पाती हैं, ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीती हैं,
और ये दोस्तों अरब कंट्री सही में महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। हालांकि यहाँ की महिलाओं के ऊपर भी दोस्तों कुछ खास लेवल के कानून आपको लागू होते हुए नज़र आ जाएंगे। या जैसे कि दोस्तों यहाँ की महिलाएं आपको बहुत ही ज़्यादा तंग यानी बहुत ही ज़्यादा फिटनेस वाले कपड़े पहनते हुए नज़र नहीं आएंगे, जिनमें से उनके दोस्तों शरीर के खास पार्ट्स आपको उभरते हुए नज़र आएं। इस देश में वैसे कानून उतने ज़्यादा सख्त तो नहीं है, जिसके चलते आप ना यहाँ कभी भी तस्वीरें ले सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं है कि ओमान में घूमते समय कोई भी इंसान दूसरे इंसान की बिना इजाज़त के तस्वीर ले सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपने बिना किसी की इजाज़त के उसकी तस्वीर ली तो आपको सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि ऐसा दोस्तों ओमान में गैर कानूनी है। घूमने के लिए हर साल ओमान में करोड़ों लोग पहुँचते हैं, क्योंकि क्राइम रेट बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलता और ये काफ़ी ज़्यादा पीसफुल, काफ़ी ज़्यादा शांत दर्जे का देश। और ऊपर से दोस्तों पूरे देश में आपको 4 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी देखने को मिल जाएंगे। भले ही देश में दोस्तों आज के दिन आधिकारिक भाषा अरबी क्यों ना हो, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर अंग्रेजी, बलूची, उर्दू और कई तरह की भारतीय बोलियाँ बोलते हुए लोग नज़र आएंगे, जैसे पंजाबी, हिंदी, गुजराती। ये भाषाएँ भी दोस्तों ओमान में आपको सुनाई देने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस आज के दिन ओमान में आपको काम करते हुए नज़र आएंगे, स्पेशली दोस्तों इसकी कैपिटल मस्कट में। ओमान की सिटीजन्स को ना दोस्तों बड़ी ही ज़्यादा मौज है, जब तक उन्हें यहाँ कोई जॉब नहीं मिल पाती तब तक ना दोस्तों गवर्नमेंट ने हर मंथ 14 से 15 हज़ार या फिर 25 से 28 हज़ार रुपये फ्री में देती हुई नज़र आएगी, ताकि ये लोग अपने घर खर्च को दोस्तों आराम से चला पाएँ। ये कमाल का रूल दोस्तों यहाँ चलता है, जिसके चलते भुखमरी की समस्या ना इस देश में आपको लगभग ना के बराबर देखने को मिलने वाली है। अधिकतम घर दोस्तों ओमान में आपको वाइट कलर में ही रंगे हुए नज़र आने वाले हैं। ज़्यादातर अरब कंट्रीज़ की तरह यहाँ पर भी दोस्तों आपसे इनकम टैक्स नहीं लिया जाता, हालांकि कई तरह की वस्तुएं शॉपिंग करने पर आपसे अच्छा खासा टैक्स ज़रूर वसूला जाता है, लेकिन लोगों की इनकम पर दोस्तों टैक्स की सेंध आपको लगभग ना के बराबर इस देश में देखने को मिलने वाली है। दुनिया के 3 महाद्वीप जो कि दोस्तों एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सभी को दोस्तों आप पश्चिमी ओमान से खड़े होकर बड़े ही ज़्यादा आराम के साथ देख पाओगे। ओमान दोस्तों ये देश हर साल ना काफ़ी ज़्यादा मोटी कमाई करता है तेल और गैस के चलते, इन दोनों चीज़ों को दोस्तों ये बेचकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा करता है हर साल। चाहे दोस्तों आप मानो या ना मानो, लेकिन ओमान पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जहां अपराध भी लगभग ना के बराबर देखने को मिलेंगे। यही तो वजह है कि महिलाएँ रात के 2 बजे भी यहाँ घर से अकेली निकले, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। पीने वाले पदार्थों में दोस्तों आज के दिन माउंटेन ड्यू या कोल्ड ड्रिंक ओमान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक है। कोका कोला से भी ज़्यादा यहाँ के लोग माउंटेन ड्यू को पीना पसंद करते हैं। ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी हो सकती है कि 1970 तक दोस्तों पूरे देश में आपको ओमान में कोई भी होटल देखने को नहीं मिलता था, लेकिन आज के दिन इस बेहद ही अमीर देश में आपको सैकड़े ही लग्जरी लेवल के होटल्स देखने को मिल जाएंगे। आज के दिन तो होटल्स के बिना देश चल ही नहीं सकता, टूरिज़्म इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बात अगर पूरे देश की दोस्तों लिटरेसी की करें तो देश का लिटरेसी रेट है 95.65%। तो इसके अलावा पूरे देश में दोस्तों आज के दिन आपको लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने को मिलेगी 77.63 ईयर्स, यानी एक इंसान ओमान में रहते हुए तकरीबन 78 साल तक आपको जिंदा रहता हुआ नजर आएगा। तो वहीं फर्टिलिटी रेट है दोस्तों ओमान का 2.89 बर्थ पर वुमेन, यानी एक महिला तकरीबन 3 बच्चों को पैदा करती है ओमान में। ये काफ़ी ज़्यादा है सही में, इसके चलते आने वाले समय में इसकी पॉपुलेशन आपको बढ़ती हुई नज़र तो ज़रूर आने वाली है। वैसे दोस्तों ओमान इस देश के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।